देश के साथ प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को शुरू हुए रविवार को 3 दिन हो जाएंगे। वहीं इंदौर जिले और इंदौर के आसपास के क्षेत्र में कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। कलेक्टर ने धारा 144 क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई है। साथ ही किसान आंदोलन को देखते हुए इंदौर आबकारी विभाग ने भी क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया है और बड़ी मात्रा में अवैध रूप से शराब बेचने और बनाने वाले पर कार्रवाई की। आबकारी टीम सुबह से ही अवैध रूप से शराब बेचने और बनाने वाले की धरपकड़ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निकल गई थी। इस दौरान 3 नए इंदौर के आसपास के गांव वामनखेड़ी, खुड़ैल, तिल्लौर खुर्द के साथ ही इंदौर के गिटार चौराह पर अवैध शराब बेचने और बनाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 110 लीटर कच्ची शराब, 11 किलो महुआ नष्ट किया। साथ ही पकड़ाए गए आरोपियों के पास से 3 पेटी देशी शराब और 1 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। इस पूरे मामले में कार्रवाई में आबकारी विभाग ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इस तरह की कार्रवाई किसान आंदोलन के तहत लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जारी रहेगी। आज सुबह लगभग 6 बजे संपूर्ण जिले का स्टाफ जो है हमारे सहायक आयुक्त आबकारी श्री नरेश चौबे के साथ में थे, पूरा स्टाफ जिले का था। तो हम लोग आज तिल्लौर खुर्द, बामन खेड़ी, तिल्लौर बुजुर्ग, दांगी सेमलिया, 8 मील चार चौराहा जगहों पर तलाशी ली गई, जिसमें कुल 110 लीटर हाथ बटी कच्ची शराब पकड़ी गई है और 11 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया है। साथ ही 3 पेटी प्लेन मदिरा, देसी मदिरा पकड़ी गई और 1 पेटी विदेशी मदिरा जब्त की गई है, जिसमें कुल 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ये आबकारी अधिनियम धारा 34(1) की आगे